Hey guys, welcome back to my channel. मैं रंजीता एंड यू आर वॉचिंग ग्राउंड इश्यूज. गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. गाइस फेस्टिवल स्टार्ट हो गया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शॉपिंग कर ली है और ये भी डिसाइड कर लिया है कि इस बार के फेस्टिवल्स में कौन सी ड्रेस उन्हें पहननी है. बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी कन्फ्यूजन में है कि कौन सी ड्रेस पहने, कौन सी नहीं पहने, कौन से ड्रेस वेयर शॉपिंग करें, कौन से एथनिक वेयर शॉपिंग करें. उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ट्रेंड अभी कौन सा चल रहा है, किस ड्रेसेस का ड्रेस चल रहा है, जो ज़्यादा ड्रेस चलने वाले. डोंट वरी, ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए, बस आपके लिए. बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखो, एंड तक देखो, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी कन्फ्यूजन है, सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा. एंड आप फटाफट इंस्टेंटली आप श्योर हो जाओगे, कंफर्म हो जाओगे कि इस फेस्टिवल्स में आपको कौन कौन से ड्रेसेस वेयर करने हैं और कौन से ड्रेस की, किस टाइप की ड्रेसेस की आपको शॉपिंग करनी है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट बिफोर दैट गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, सो दैट कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले एंड आप मेरे सारे वीडियोज को एंजॉय कर सको. सो गाइस, कमिंग फेस्टिवल्स में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला है वो है मिनिमल वर्क वाली साड़ी. जी हाँ, साड़ी तो पहली चॉइस होती है हम लेडीज की. हर फेस्टिवल, कोई सा भी ओकेजन हो, फंक्शन हो, शादी हो, फंक्शन हो, पार्टी हो, फेस्टिवल हो, हमारी जो पहली पसंद होती है वो साड़ी और मिनिमल वर्क वाली साड़ी अभी ट्रेंड करी है. गाइज आपने देखा हो कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज, सारे सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की जो पहली चॉइस है वो मिनिमल वर्क वाली साड़ी है. सो गाइज, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते और ये साड़ी बेस्ट है क्योंकि ये ओवर लुक भी नहीं देती. काफ़ी ओवर वाला जो एक लुक हो जाता है तामझाम वाला, वो लुक भी नहीं देती. काफ़ी डिसेंट एंड स्टाइलिश लुक देती है. इसकी खास बात ये है कि ये हर ओकेजन में, हर ओकेजन के लिए परफेक्ट होता है और इसे आप एक्सेसराइज कर इसे हैवी लुक भी दे सकते हो और मिनिमल ज्वेलरी में आप काफ़ी क्लासी एंड ट्रेंडी भी लग सकते हो. सो गाइज, दिस वन इज मस्ट. आप मिनिमल वर्क वाली साड़ी फेस्टिवल्स में वेयर करें, आपका लुक डिफरेंट आएगा, क्लासी आएगा. और ये इसकी और दूसरी एक और इसकी खास बात ये कि हर इसमें एज की कोई बाउंडेशन नहीं है. इस तरह की साड़ी किसी भी एज में, किसी भी एज में आप इसे वेयर कर सकते हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन. एंड द नेक्स्ट थिंग इज गाइज, फ्लोर लेंथ ड्रेस विथ दुपट्टा. जी हाँ गाइज, अगर आप साड़ी वेयर नहीं कर सकते, उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इस तरह की फ्लोर लेंथ की ड्रेसेस वेयर कर सकती हैं. गाइज ड्रेस भी आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बनवा सकती है, फिटिंग भी करवा सकती हैं एंड उसमें उसे डिफरेंट टाइप के फैब्रिक को यूज़ कर बनवा भी सकती हैं. तो इस तरह की ड्रेसेस आजकल काफ़ी ट्रेंड भी कर रही है. आप इसमें हैवी दुपट्टा ले, इसमें आप मैचिंग दुपट्टा भी ले सकते हो, कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा भी ले सकते हो, जिसका कि आजकल अभी ट्रेंड भी चल रहा है. जैसे आप डिफरेंट स्टाइल से ड्रेप करके भी डिफरेंट सा लुक पा सकते हो, काफी ट्रेंडिंग लगेगा एंड एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखना. तो गाइज, ये भी एक मस्ट हैव ऑप्शन है आपके पास. गाइज एंड द नेक्स्ट आउटफिट इज सीक्वेंस वाली साड़ी. जी हाँ गाइज, ये कितनी पॉपुलर है, कितना ट्रेंड कर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं. आज हर लेडीज के पास एक सीक्वेंस वाली साड़ी तो जरूर होगी. गाइज आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा कि सीक्वेंस साड़ी में वेयर करती हैं, उन लुक कितना क्लासी, कितना अट्रैक्टिव आता है. तो ये भी लुक आप भी पा सकती हैं. आप भी एक सीक्वेंस साड़ी जरूर परचेज करें इस कमिंग फेस्टिवल्स में. एंड अगर डे फंक्शन में आप इसे वेयर करना चाहती है, थोड़ा लाइट सीक्वेंस वाली आप साड़ी वेयर कर सकती है. बट अगर गाइज, अगर आप नाइट फंक्शंस में सीक्वेंस वाली साड़ी कैरी करना चाहती हैं, तो उसे थोड़ा हैवी आप रख सकते हो. गाइज एंड द नेक्स्ट थिंग इज दुपट्टा. दुपट्टा आपके पास, डिजाइनर दुपट्टा का कलेक्शन तो आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ होती है. अगर आपके पास कुछ नहीं समझ में आ रहा और आपके पास सिंपल प्लेन से सूट है, तो उसे कैसे इंस्टेंटली उसकी ब्यूटी को अपलिफ्ट किया जाए, कैसे उसे एक्सपेंसिव फेस्टिव लुक दिया जाए, तो ये काम आपका ये डिज़ाइनर दुपट्टा कर देगा, फटाफट से कर देगा. सो गाइज, आपके पास डिफरेंट डिज़ाइनर दुपट्टे का कलेक्शन होना चाहिए. इसमें आप बनारसी दुपट्टा रख सकते हो, बांधनी दुपट्टा रख सकते हो, और या फिर और डिज़ाइनर दुपट्टे होते हैं, वेलवेट वाले दुपट्टे रख सकते हो. वो भी काफ़ी ग्लैमरस, काफ़ी इंस्टेंटली हैवी लुक देता है. तो इस तरह के कुछ दुपट्टों का कलेक्शन आपके पास जरूर होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट थिंग इज अनारकली सूट. जी हाँ गाइज, ये तो एवरग्रीन है. आपने हमेशा से देखा हो, काफ़ी लंबे टाइम से आपने देखा हो कि अनारकली सूट चलता आ रहा. एक काफ़ी एथनिक लुक देता है. सो गाइज, आपके पास भी एक एथनिक लुक के लिए, अगर आप चाहते हो ट्रेंडी लुक, क्लासी लुक चाहते हो, तो आपके पास एक अनारकली डिज़ाइनर अनारकली सूट जरूर होना चाहिए. और आपने देखा हो कि माधुरी दीक्षित को भी आपने देखा हो, करिश्मा कपूर को भी देखा हो, कैसे उनके लुक में अनारकली सूट उन्होंने कैसे फ्लॉन्ट किया और कितने खूबसूरत लगते हैं. तो आपके पास भी अनारकली सूट होने चाहिए. एंड इसे आप अपनी चॉइस अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो, तो आप टेलर से सिलवा कर बनवा भी सकते हो. इसमें डिफरेंट फैब्रिक, डिफरेंट कलर ऐड कर इसके लुक में चार चांद लगा सकते हो. तो गाइस, इस बार कमिंग फेस्टिवल्स में आप अनारकली सूट भी जरूर ट्राई करें.
गाइज एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्टेटमेंट स्लीव्स. जी हाँ गाइज, अगर आपकी ड्रेस डिज़ाइनर हो, उसकी स्लीव्स डिज़ाइनर हो, डिफरेंट हो, तो ड्रेस पहने का तो मज़ा ही कुछ और है. सो गाइज, पहले क्या होता था कि पहले हमारा सारा फोकस ड्रेस के गले पर ही होता था कि गले का ही डिज़ाइन पे हमें ऐसा बनाना है, वैसा बनाना. बट नाउ गाइज, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है. आप गले के साथ साथ आपको स्लीव्स पे भी ध्यान देना, उसकी डिज़ाइन पे भी आपको गौर करना है. सो गाइज, जब भी अगर आप सूट सिलवाते हो तो इस तरह की डिज़ाइनर स्लीव्स आप बनवा सकते हो. और अगर आप ब्लाउजेज वगैरह कर रहे हो तो इसमें भी आपने ब्लाउज के स्लीव्स को भी कुछ डिज़ाइनर सा लुक दे सकते हो और डिफरेंट सा लुक पा सकते हो. ये भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा और ये इसका ट्रेंड भी अभी काफ़ी चल रहा है. नेक्स्ट आउटफिट इज कॉर्ड सेट, देसी कॉर्ड सेट. जी हाँ गाइज, इनका कॉर्ड सेट का तो आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है. आपने देखा होगा बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को आपने देखा होगा वेस्टर्न कॉर्ड सेट वेयर करते हुए. कुछ को तो आपने ट्रेडिशनल कॉर्ड सेट में देखा होगा. उनकी भी ये फर्स्ट चॉइस है एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी है, स्टाइलिश भी लुक आता है, बड़ा ट्रेंडिंग है आजकल. तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं. अगर आप डे फंक्शन में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप मिनिमल ज्वेलरी के साथ इसे कैरी कर सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश लुक आएगा. एंड अगर नाइट फंक्शन में इन्हें वेयर करना चाहते हैं तो आप इसे हैवी ज्वेलरी के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं. बहुत ही डिफरेंट, क्लासी एंड ट्रेंडिंग लुक नज़र आने वाला है. तो आप इसे भी इस फेस्टिवल्स में इंक्लूड कर सकते हो. इस तरह की ड्रेसेस वगैरह को भी आप इस फेस्टिवल्स में इंक्लूड कर सकते हो. सो गाइज, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड ये आपके काफ़ी काम आने वाली कमिंग फेस्टिवल्स में. तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले. मिलती होगी वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ, टॉपिक्स के साथ, नए आइडियाज़ के साथ. टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टाटा.